क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लोग अपनी पूरी दिन की दिनचर्या में शीर्षासन करना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे। जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनमें से 90% भाई मेरे ऐसे होंगे जो कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करते होंगे, वर्कआउट करते ही होंगे, राइट। लेकिन आज मैं आपको जो जो शीर्षासन के बारे में चीजें बताने वाला हूं उनको सुनकर आप भी शीर्षासन करना शुरू कर दोगे और इससे मिलने वाले रिजल्ट देखकर भी आप बहुत खुश हो जाओगे। शीर्षासन का मतलब है सिर के साथ किया जाने वाला आसन। जब आप शीर्षासन करते हो तो आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके सिर पर आ जाता है और आपका जो ब्लड है वो पूरे का पूरा नीचे की तरफ आने लगता है। देखो, हमारा जो ब्लड होता है ना वो शरीर के कोने कोने में जाकर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन वो हमारे सिर के हिस्से में बहुत अधिक नहीं होता। इसलिए उम्र के साथ साथ सबसे पहले इंसान का चेहरा होता है जो वो ढीला पड़ना शुरू होता है, बाल झड़ने शुरू होते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, उसके चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है और सबसे कॉमन चीज चश्मा लग जाता है। इसके पीछे का कारण होता है कि ब्लड बहुत कम मात्रा में ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत कम मात्रा में जाता है। अब आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर आप हर रोज शीर्षासन करोगे तो क्या क्या होगा, क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हो तो पूरी बॉडी का ब्लड धीरे धीरे हमारे दिमाग की तरफ आने लगता है। लेकिन अगर आप हर रोज ऐसे ही शीर्षासन करने लग जाओ, आदत पड़ जाए आपकी बॉडी को, तो सबसे पहला फायदा जो होगा कि आपको कभी भी जिंदगी में बालों की समस्या नहीं होगी, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और शाइन करने लगेंगे। अगला फायदा जो आपको मिलेगा वो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है कि मान लो किसी ने आपको एक किताब की लाइन याद करने के लिए बोला और आपने वो लाइन याद कर भी ली और उसको आप एक घंटे बाद भूल गए, इसका मतलब है कि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है। और शीर्षासन करने से हमारी स्मरण शक्ति यानी कि कोई चीज याद करने की शक्ति बढ़ती है, या फिर यूं कह लो कि भूलने की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। और आपको सबसे बड़ा जो फर्क नजर आएगा शीर्षासन जब आप करोगे तो ये आपके पिंपल्स को बिल्कुल खत्म कर देगा, पिंपल्स निकलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाएगी। जैसे होता है ना, कई बार झुर्री आ जाती है चेहरे पर, ढीला पड़ जाता है, चेहरे की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और गजब की बात तो ये है कि ये सब रिजल्ट सिर्फ एक महीने के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने खुद अपने पिंपल्स एक हफ्ते के अंदर सिर्फ शीर्षासन करके ठीक किए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो ये कितने असरदार होता है। इससे आपका पेट भी मजबूत होगा और आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा, और जिन लोगों को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होगी। और इसको करने का तरीका आपको पता ही होगा, सिंपल है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना तो आप किसी दीवार से सहारा ले सकते हैं। पहली बार कर रहे हो तो दीवार से सहारा ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें धीरे धीरे कंट्रोल बनाने की। जब धीरे धीरे कंट्रोल बनता चले जाएगा तो आराम आराम से आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते रहेंगे, अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो। शीर्षासन का टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, आपको करना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन ही आप अधिक करोगे, नहीं, आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। जैसे ही धीरे धीरे करोगे धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और शीर्षासन करने के बाद आपको एकदम से नीचे नहीं आना है, आराम से धीरे धीरे करके नीचे आना है। सबसे खास बात तो यह है कि कभी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले इसको ना करें, और कहीं पर भी सर्जरी हुई हो वो भी ना करें। और शीर्षासन करने के बाद ना तो बैठना है ना लेटना है, जितनी देर आपने शीर्षासन किया उतनी देर आपको खड़े रहना है। और अगर आप जिंदगी में कभी इस आसन, मतलब कभी नहीं छोड़ोगे, अगर इस आसन को हर रोज करते रहोगे, डेली करते हो, तो आपका चेहरा हमेशा जवान बना रहेगा, आपकी मानसिक बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये जो दिमाग, आँख, इनमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे शीर्षासन नहीं होता होगा, जिनके लिए शीर्षासन बिल्कुल मुश्किल है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि शीर्षासन इतना मुश्किल क्यों है, आसन तो और भी बहुत सारे हैं। तो भाई, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को उल्टा लटकने की आदत नहीं होती, इसलिए हमको अपनी बॉडी को सिखाना पड़ता है कि ये पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शीर्षासन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दीवार के सहारे कर सकते हो, लेकिन आपको हर टाइम दीवार के सहारे नहीं करना, थोड़ा सा गिरना भी आना चाहिए ताकि आप खुले में कभी कर सको, चोट पेट ना लगे, ठीक है। तो एक बार 50% दीवार के सहारे और 50% कोशिश किए करिए इस चीज़ की कि खुले में करने की, ताकि धीरे धीरे आप गिरे सीखें, ठीक है। अब मेरे भाई जो वर्कआउट करते हैं, तगड़ा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जिम करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, ये हमारे लिए क्या फ़ायदा करेगा। तो भाई, आपके लिए तो सबसे बेस्ट है। कैसे? क्योंकि जब आप शीर्षासन हर रोज करोगे तो आपके लिए बेस्ट ऐसे है कि सबसे पहला फ़ायदा जो होगा, आपकी काम वासना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जिस बंदे की काम वासना ख़त्म हो जाती है, वो उसके लिए पावर स्टैमिना बढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाता है, उसकी एनर्जी बचती रहती है, ठीक है, ये चीज़ समझो पहले। दूसरी चीज़, स्वप्न दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे
बेस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज, इसको अगर आप हर रोज करते हो, लॉन्ग टाइम हो गया आपको करते करते, तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि इससे आपकी शक्ति का धीरे धीरे विकास होगा, आपका पेट मजबूत होगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आपका पाचन तंत्र सही होगा। तो भाई इतने सारे फायदे हैं, मतलब आपकी जो आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसलिए आज से ही 10 से 20 मिनट वर्कआउट के बाद इसके लिए निकालना शुरू कर दो। ऐसे ऐसे से आसन, एक्सरसाइज, वीडियो, डाइट प्लान मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।